सोलन में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के टेस्ट देने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेस्ट देने से पहले आपको अब एक और टेस्ट करवाना होगा। अगर आप उस टेस्ट में तंदुरुस्त पाए जाते हैं तो ही आप ड्राइविंग टेस्ट दे पाएंगे। यह जानकारी SDM सोलन अजय यादव ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ड्राइविंग टेस्ट देते समय अक्सर लोगों की भारी भीड़ देखी जाती है, वहां अवांछित लोग भी आ जाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा यह कदम उठाया गया है। अधिक जानकारी देते हुए SDM सोलन अजय यादव ने बताया कि कोरोना संक्रमण लगातार जिला में बढ़ रहा है। ड्राइविंग टेस्ट के समय लोग भारी संख्या में मौके पर पाए जाते हैं, जिसके चलते संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि वहां वही व्यक्ति उपस्थित होगा जिसने ड्राइविंग टेस्ट देना है, साथ में उस व्यक्ति को पहले कोरोना टेस्ट भी करवाना होगा। उसके बाद उन्हें RTO कार्यालय से टोकन जारी होगा और टेस्ट का समय बताया जाएगा। उसी निर्धारित समय पर उसे बताए गए स्थल पर पहुंचना होगा, तभी उसका टेस्ट होगा। इसके अलावा जो एक फैसला लिया गया है सब डिविजन लेवल पे, वो ये है कि जो भी हमारा ड्राइविंग टेस्ट होगा उसके लिए कोविड की रिपोर्ट कंपलसरी कर दी गई है। पिछले 72 घंटों का आपको कोविड रिपोर्ट निगेटिव लेके आना है। थोड़ो ग्राउंड में रैट RT-PCR दोनों टेस्ट कराए जा रहे हैं। कोविड रिपोर्ट के साथ साथ आपको SDM ऑफिस या RTO ऑफिस से टोकन लेके ही आना है। मैं लोगों से बार बार ये आग्रह करूंगा कि जिनका ड्राइविंग टेस्ट है वही आए बसाल हेलीपैड जहां पे ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है, और बाकी परिवार के सदस्य ना आए, क्योंकि कोविड काफी बढ़ गया। आपने भी देखा कल 250 से भी ऊपर कोविड हमारे जिला डिस्ट्रिक्ट सोलन में आए हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ स्ट्रिक्ट मेजर लिए गए हैं।